बाबरी मस्जिद पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई मुगल मस्जिदें और स्मारक सुर्खियों में आए। वजह थी लोगों द्वारा कोर्ट में दायर की गई याचिकाएं, जो दावा करती है कि मंदिर के स्थान पर मस्जिद या मुगल स्मारकों का निर्माण किया गया है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम वो मस्जिद और स्मारक देखते हैं जिन्हें हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को लेकर विवाद नया नहीं है। ऐसा दावा है कि इसे 27 हिंदू और जैन मंदिरों को नष्ट करने के बाद उससे प्राप्त हुए सामग्री से मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बनाया था। लोगों ने मांग की है कि स्मारक का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ रखा जाए, क्योंकि मीनार मूल रूप से एक प्राचीन मंदिर के ऊपर बने टावर का हिस्सा था। कुतुब मीनार परिसर के अंदर कुव्वाल उल इस्लाम मस्जिद की दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और ब्रह्मा कमल अभी भी मौजूद हैं, जो भारतीय वास्तुकला शैली से मेल खाता है। ताजमहल। ताजमहल 7 अजूबों में से एक है, लेकिन इसका इतिहास आज विवादों से घिरा हुआ है। लोगों का दावा है कि यह एक शिव का मंदिर था जिसे तेजो महालय कहा जाता था। पीएन ओक, जो कि एक इतिहासकार है, उनकी किताब ताजमहल एक मंदिर स्थल है में भी कुछ ऐसे ही तथ्यों का जिक्र किया गया है। हाल फिलहाल में बीजेपी के सांसद दिया कुमारी ने दावा किया है कि ताजमहल जयपुर राजघराने की जमीन पे बना हुआ है। प्रयागराज हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका में इतिहास को स्पष्ट करने के लिए ताजमहल के 22 बंद कमरों को भी खोलने की मांग की गई है। कोर्ट ने ताजमहल के सर्वे करने और 22 बंद कमरों को खुलवाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने ये भी कहा कि पीआईएल का मजाक न बनाएं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कुछ समय पहले कमरों की तस्वीरें जारी की हैं और कहा कि ये कमरे हर बार साफ सफाई के लिए खोले जाते रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर दावों और किस्सों की भरमार है। आम मान्यता ये है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाया। मस्जिद के इलाके से नंदी का मुख और असली शिवलिंग की मौजूदगी की संभावना ही इस विवाद के मूल में है। आज की तारीख में ज्ञानवापी मस्जिद बहस का बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। काशी की इस मस्जिद पर विवाद ठीक वैसा ही शुरू हो चुका है जैसा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर शुरू हुआ था। सवाल ये भी उठ रहा है कि नंदी के मुख के सामने मस्जिद क्यों है और परिसर में हिंदू वास्तुकला के होने का भी जिक्र है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से सर्वे कर लिया गया है, जिसके तहत 5 से 6 घंटों की वीडियो फुटेज और कई तस्वीरें निकाली गई है। इस पूरे मामले में अभी निर्णय आना बाकी है। मथुरा ईदगाह विवाद। ज्ञानवापी मस्जिद के बाद मथुरा की ईदगाह मस्जिद की भी काफी चर्चा हो रही है। मथुरा की ईदगाह मस्जिद में भी सर्वे और वीडियोग्राफी करवाने की मांग की गई है। यह ईदगाह श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटी है। कहा जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब ने 1670 में मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान को ध्वस्त करने का फरमान जारी किया और मंदिर को ध्वस्त किया। हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ मंदिर था जिसे तुड़वाकर मस्जिद बनवा दिया गया। हिंदुओं की माने तो जिस जगह पर ईदगाह मस्जिद को बनाया गया वो जगह पहले कंस की जेल हुआ करती थी। कमल मौला मस्जिद। यह मस्जिद मध्य प्रदेश में है। हिंदू पक्ष का कहना है कि यहाँ माता सरस्वती का प्राचीन मंदिर था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अभी इसकी देखरेख करती है। दोनों पक्षों के इतने तर्क है कि मंगलवार और वसंत पंचमी को हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाजत है, वही शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने के लिए अनुमति दी गई है। आशा है आपको यह वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा।
धन्यवाद।